और चलिए एक बार फिर से आपको टोंक लेकर चलते हैं जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त डिप्टी सीएम सचिन पायलट। कांग्रेस सत्ता में पहले आई है, जीती है, हारी है, ये चलता रहता है, लेकिन ये चुनाव देश की अस्मिता के लिए, देश के संविधान के संरक्षण के लिए, भारत वर्ष में समूची हमारी संस्थाएं जिनको 60-70 साल की मेहनत, परिश्रम, त्याग, तपस्या के बाद हमारे पूर्वजों ने निर्मित किया, उन संस्थाओं को लगातार खोखला करने का काम मोदी सरकार दिल्ली में कर रही है। हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को आज बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आज हम सब लोग ये चुनाव वोट डालकर एमपी एमएलए बनाने का चुनाव नहीं, चुनाव पहले बहुत हुए फिर बहुत होंगे, लेकिन 2014 में जब चुनाव हुए थे तो वादा जो भाजपा के नेताओं ने किया, मोदी साहब ने किया, अमित शाह जी ने किया, वो वादा था विकास का, रोजगार का, किसान की आमदनी दुगनी करने का। ये 5 साल बीत गए, भाजपा के नेताओं से कोई पूछता है फसल के बारे में, बीज के बारे में, महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में, किसान के बारे में, तो कहते कि आप राष्ट्र विरोधी हो, आप देशद्रोही हो। भाजपा का जो विरोध करता है उस पे सीबीआई का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, पुलिस प्रशासन हाथ धो के पीछे पड़ा है हर उस व्यक्ति, नेता, संगठन के जो भाजपा के विरोध में है। पहले भी भाजपा थी, कांग्रेस भी थी, नेता भी थे, चुनाव भी होते थे, हार जीत भी होती थी, लेकिन ये आक्रामक राजनीति, कांग्रेस मुक्त बनाने की जो बात करने वाले लोग हैं देश में, जहर घोलकर तनाव और घृणा पैदा करने वाले लोग, ये मॉब लिंचिंग क्या होती है इस देश की जनता की शब्दावली में 5 साल पहले ये सब किसी को मालूम नहीं था। एक भय का माहौल बनाया गया है, इससे बचने के लिए आने वाले समय में हमारा प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र मजबूत रहे, उसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। 5 सालों तक संसद के अंदर, संसद के बाहर हर मोर्चे पर चुनौती दी है, उनके नेतृत्व में इन 3 राज्यों में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के अंदर, आपके आशीर्वाद से आज हम लोग सत्ता में बैठे हैं। और इन 3 महीनों में हमारी सरकार जितना काम कर सकती थी, जितनी घोषणाओं पर अमल कर सकती थी, किसान की ऋण माफी हो, पेंशन देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, फसल खरीद की बात हो, जितना हो सकता है 3 महीनों में उतना हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं देख रहा था विधानसभा के चुनाव हो गए, अशोक जी, विधानसभा के चुनाव हो गए, सरकार बन गई, तो पहली मीटिंग जो प्रधानमंत्री जी ने करी वो टोंक में करी। मैं सोच रहा था, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, विधानसभा में तो आए नहीं, उनको पता था वो कितना लंबा भाषण दे दे यहां से तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और मैं इस मंच से चुनौती देना चाहता हूं, वो टोंक आकर गए, खूब कोसा कांग्रेस को, पिछली सरकारों को, लेकिन इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए एक शब्द नहीं बोला। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बहुत बचते रहे विधानसभा चुनाव में आने से, ना योगी आए ना मोदी आए, और जब आए तो खाली हाथ लौटा दिया। इसलिए राजस्थान के अंदर हम मिशन 25 पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है,